कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, करीना कपूर खान को किया स्लैम, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगाई उनकी क्लास। इनफैक्ट कंगना ने करीना के जरिए बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाले गैंग को किया अक्यूज। आइए जानते हैं डिटेल में। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का यूं अचानक चले जाना पूरे देश के लिए एक शॉक है। इनफैक्ट इस घटने ने सभी को हिलाकर रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। सुशांत के जाने के बाद लोगों और कलाकारों के बीच नेपोटिज्म डिबेट ने भी और जोर पकड़ लिया है और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इंडस्ट्री के स्टार किड्स पर अपना गुस्सा निकाल रही है। अदाकारा कंगना रनौत नेपोटिज्म डिबेट को लीड कर रही है और वो करण जौहर, आलिया भट्ट और दूसरे स्टार किड्स पर निशाना साध चुकी है। इसके बाद अब उन्होंने करीना कपूर खान को आड़े हाथों लिया है। अदाकारा करीना कपूर खान ने नेपोटिज्म डिबेट पर बात करते हुए हाल ही में कहा था कि वो केवल किसी की बेटी होने की वजह से इस इंडस्ट्री में दो दशक तक काम नहीं कर पाती। अदाकारा कंगना रनौत ने करीना कपूर के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लंबे चौड़े ट्वीट्स किए हैं। इन ट्वीट्स में कंगना रनौत ने लिखा है, जी हाँ करीना जी, दर्शकों ने आपको रिच और फेमस बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सफलता मिलने के बाद आप बॉलीवुड को बुलीवुड बना देंगी। आप बताइए कि आपके दोस्त ने कंगना से क्यों कहा कि वो इंडस्ट्री छोड़कर चली जाए। 2. सुशांत को क्यों बड़े बैनर्स ने बैन कर दिया था। 3. उन लोगों ने कंगना को डायन और सुशांत को रेपिस्ट क्यों कहा। 4. इंडस्ट्री के लोगों ने सुशांत और कंगना को बाइपोलर क्यों कहा। 5. क्यों आपके नेपो दोस्तों ने शादी का वादा करने के बाद उस पर FIR की। 6. इंडस्ट्री क्यों कंगना और सुशांत को पार्टी में नहीं बुलाती थी। कोई भी उन्हें बर्थडे और फिल्म रिलीज की बधाई नहीं देता था। मैं हर नेपो किड को बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को अलग दिशा में लेकर मत जाइए। हमें आपके प्रिविलेज से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें इस बात से परेशानी है कि आप आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट करते हो। सुशांत का मर्डर आपकी बुलिंग और गैंगअप ने किया था। वो हमेशा इंडस्ट्री को लेकर शिकायत करता था। वो यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि आप लोगों ने उसे रेपिस्ट बुलाया था और उसे कभी उसके काम का क्रेडिट नहीं दिया। इसके बारे में बात कीजिए। फिल्मों और ड्रेसेस की बात करना इस समय बेकार है। आप लोग सही टॉपिक पर चर्चा कीजिए। वेल, कंगना ने तो सीधा अटैक किया है। आपका क्या कहना है कंगना के इन बयानों के बारे में? क्या आप कंगना की बातों से सहमत है? आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.